हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो बच्चों? चलिए बच्चों, आज हम आपको मैथ सिखाएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे डेसिमल का। इसका आगे का वीडियो में हम एडिशन का सिखाए हैं, डेसिमल का कैसे करते हैं। आज हम आपको डेसिमल का सब्सट्रैक्ट सिखाएंगे, माइनस सिखाएंगे कैसे करते हैं। तो देखिए, हम एक नंबर लिए हैं 35.87 फॉर्म 63.2। तो इसमें बच्चों क्या करना है, आपको देखना है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड का नहीं बल्कि राइट साइड का आपको नंबर को देखना है। तो यहाँ पर कितना है 35.87 और यहाँ है 63.2, यानी यहाँ पर राइट साइड में यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से सजा के लिखते हैं, एकदम इजी तरीका आपको बता देंगे, कभी गलत नहीं होगा, आप एकदम फटाफट बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ जब फॉर्म लिखा है, फॉर्म का मतलब होता है शेप, तो उसमें क्या करना है, पीछे का नंबर यानी इसको पहले हम नहीं लिखेंगे, पहले जो बाद वाला नंबर है, ये फर्स्ट वाला नंबर नहीं बल्कि सेकंड वाला नंबर को यहाँ हमको लिखना है पहले। तो हम क्या लिखें, 63.2। और यहाँ हम क्या देखें कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको भी हमको 2 डिजिट में ही बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे 2 डिजिट में, इसको 0 दे के हम कवर करेंगे, 0 दे के इसको भी हम पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट बना देंगे। अब ठीक इसके नीचे हम लिख देंगे 35.87। अब इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ 0 ऊपर में है तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये छोटा नंबर है इसलिए ये 12 है। अगर मान लीजिए बच्चों ये 8 ऊपर रहता, नीचे 2 रहता, तब हम इसको 8 बोलते, इसको बड़ा नंबर। लेकिन जब 2 यानी यहाँ पर स्मॉल है और नीचे बिगर है, तो इसको हम 2 नहीं मानेंगे, ये 12 है और ये इसको एक उधारी दिया इसलिए खुद बन गया 11। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ये 3 है तो इसको, ये भी छोटा नंबर है, 5 से देखिए 5 बिगर नंबर है, स्मॉलर नंबर में क्या है, 3 है यानी छोटा है, तो इसको 3 नहीं है बल्कि हमको 13 माननी होगा। तो ये 13 क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, क्योंकि ये इसको एक उधारी दिया था इसलिए 12 बन गया था 11, और फिर ये इसको उधारी दिया था इसलिए ये 13 नहीं रह के बन जाएगा 12, और 6 इसको 1 उधारी दिया है इसलिए 6 बन जाएगा 5। अब क्या करना है, हमको इसको माइनस करना है, तो 10 से 7 हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बचा, और 11 से 8 लेस करेंगे तो इसमें भी कितना बच जाएगा, 3। और इसका भी आसान तरीका हम समझा दे रहे हैं, देखिए बच्चों एकदम आप जल्दी कर लेंगे। यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, तो आप 7 के बाद से आप 10 तक जंप कीजिए, 8, 9, 10 आपका आ गया 3, एकदम आसान तरीका। और यहाँ पर 11 है तो 8 के बाद से 11 तक गिनिए, 9, 10, 11 बन गया 3, आ गया 3। अब उसके बाद यहाँ 12 है और यहाँ 5 है, यानी 5 के बाद से 12 तक आप गिन लीजिए, आपका बचेगा 7, और यहाँ है 5 यहाँ 3, आप 3 के बाद 5 गिन लीजिए, बचेगा 2। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। और चलिए और एक नंबर लेके आपको हम सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, और एक नंबर हम लिए, यहाँ 28 डेसिमल 65 फ्रॉम 73 बच्चों आप देखिए, आप घबरा गए कि यहाँ पर तो कुछ पॉइंट विंट कुछ नहीं है, अब हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए एकदम आसान है, आप तुरंत सीख जाएंगे। इसमें करना क्या है, आपको हम पहले ही बताएं कि आपको पॉइंट के बाद आपको देखना है कितना डिजिट है, उसको आपको ध्यान देना है।
नंबर है उसको कवर करने के लिए आपको जीरो लेना है, यही आपको दिमाग में रखना है। और फ्रॉम है तो ये सेकंड वाला नंबर को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 73 पॉइंट, यहाँ कितना डिजिट है बच्चों पॉइंट की बात देखिए 65 1 2, यानी दो डिजिट है 110, देखिए दो डिजिट है 65, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट लगा दिए 73 के बाद, और ये दोनों डिजिट को कवर करने के लिए हम सीधा दो जीरो बैठा देंगे। और उसके बाद इसको लिख लीजिए 28 किसे में 65 लिख दिए। अब जैसे नॉर्मली हम लोग माइनस करते हैं वैसे कर लेंगे, तो ये जीरो ऊपर में रहने से माइनस में क्या करते हैं इसको 10 बना देंगे। ये इसको उठा ही दिया था, ये जीरो भी 10 है, लेकिन ये अपने दोस्त को 1 उधार ही दिया था इसलिए खुद बन गया 9। और यहाँ पर ये छोटा नंबर है इसलिए इसको हम क्या मानते हैं माइनस में, इसको 3 नहीं मानेंगे, इसको 13 मान के चलेंगे। और ये भी इसको एक उधारी दे दिया तो ये 13 क्या बन गया 12, और ये इसको एक उधारी दिया था इसलिए 7 बन जाएगा 6। इसको लेकिन बच्चों गौर कीजिए, इसको हम माइनस में क्या करेंगे, जब बड़ा नंबर रहता है तो इसको हम 17 नहीं मान सकते क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसलिए 7 है और 7 बन गया 6, ठीक है। अब जैसे हम माइनस करते हैं वैसे नॉर्मली माइनस कर लेंगे, तो 3 से हम 5 काट देंगे तो कितना बचेगा 5, और 9 से हमको 6 काटना है तो कितना बचेगा 6 के बाद से आप 9 तक गिन लीजिए 7 8 9, 3 बचा तो 3 लिख दे। और ठीक इस पॉइंट के नीचे आपको ध्यान देना, ये पॉइंट का लाइन के नीचे हम ये पॉइंट लिख दिए। फिर यहाँ पर आपका 12 से 8 काटिए, यानी 8 के बाद से आप आराम से 12 तक गिन लीजिए 9 10 11 12 4, और यहाँ 6 है तो 6 से 2 काटिए, यानी 2 के बाद से आप 6 तक गिनिए 3 4 5 6, कितना जम किया 4, तो आ गया मेरा आंसर 44 डेसिमल 35। चलिए बच्चों और एक नंबर से आपको हम समझाएंगे। आप बच्चों देखिए और एक हम नंबर लिए हैं यहाँ 56.8 फ्रॉम 204। बच्चों देखिए यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं है, आपको पॉइंट किस तरह से डालना है और क्या करना है एकदम ध्यान से देखिए तो 100% गारंटी है आप जरूर कर लेंगे। कोई भी डेसिमल का अगर सब्सट्रैक्शन आएगा तो मेरा गारंटी है कि आप जरूर बनाएंगे। तो देखिए कैसे हम करते हैं, पहले हम बता दिए जब फ्रॉम रहेगा तो आपको सेकेंड वाला नंबर को पहले लिखना है, फर्स्ट वाला नंबर को आप पहले नहीं लिखेंगे, आप सेकेंड वाला नंबर को लिखेंगे। तो उसके पहले आपको क्या ध्यान देने बोले बच्चों हम कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही तो नंबर आपको दिख रहा है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, पहले इस नंबर को हम लिखते हैं 204, अपने से हमको पॉइंट देना है, आपको बता दिए जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें आपको खुद देना है डेसिमल, यहाँ पर हम दिए हैं पॉइंट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद मेरा एक नंबर, एक ही तो डिजिट है, तो इसको कवर करने के लिए हम क्या सिखाएं बच्चों, एक आप जीरो डाल देंगे, डाल दिए। अब हमको क्या करना है, ठीक इस पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिख दिए हैं, यहाँ आप 8 लिख दिए हैं, जो राइट साइड का नंबर है उसको राइट में लिखना है और लेफ्ट का हम लेफ्ट लिखेंगे 6 5, आप इस तरह से लिख लिए हैं। आप देखिए जैसे नॉर्मली हम माइनस करते हैं वैसे ही करें, अब ये जीरो क्या बन जाएगा, ऊपर में जब जीरो रहता माइनस में तो क्या बनता है 10 बनता है। और ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी 4 नहीं मानेंगे क्योंकि ये छोटा नंबर है, माइनस में जब ऊपर में छोटा होता है तो वो 14 होता है, इसलिए ये इसको एक उधारी दिया था इसलिए क्या बनेगा 13, ये 13 बना। और ये
टेन था, जीरो ऊपर में रहता मतलब टेन था, तो ये क्या बन गया, ये इसको एक उधारी दिया तो ये खुद नाइन बन गया, और ये इसको एक उधारी दिया था टू तो ये खुद वन बन गया। अब देखिए आप टेन से क्या करेंगे, एट को माइनस करना है, कितना बचा, टू बचा। और ठीक यहाँ पर जो पॉइंट है उसको आप यहाँ पॉइंट दे देंगे, और यहाँ पर क्या करना है, 13 से आपको 6 माइनस करना है, ठीक है। और आसान तरीका बोल रहे, जैसे आप क्या कीजिएगा कि 6 के बाद से 13 तक गिन लीजिएगा तो आपको और माइनस आसान हो जाएगा, एकदम इसी इजी तरीका हम बता दे रहे। तो 6 के बाद से गिन लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 6 के बाद गिनने से यहाँ 13 से 6 काटने से बच जाएगा 7 बच गया। अब आपको क्या करना है, 9 से 5 को काट देना है, यानी 5 के बाद से आप 9 तक गिन सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 के बाद से 13 तक गिन लीजिए उसी तरह 7 बचा। अब आप 5 के बाद गिन लीजिएगा 9 तक, तो आपका कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 के बाद 6 7 8 9 4 बचा, और यहाँ पर 1 का 1 लिख लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 147 डेसिमल 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों अगर आपको डेसिमल का सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया और मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरा हर पढ़ाई आपके पास आते रहे और आप इससे सीख सकें। थैंक यू सो मच बच्चों।